गैस कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ब्लॉगर के अंदर जो है थीम आपको अगर चेंज करनी है तो कैसे क्रिएट चेंज करनी है, और आज जो है आप किस तरह से फर्स्ट पोस्ट को आपको क्रिएट करना होता है, वहां पे क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, ये सारी डिटेल जो है आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप लोग जो है इस पूरे सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। अभी तो सिर्फ ये ब्लॉगिंग सीरीज है, अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो भी इस पे पूरी सीरीज आएगी। उसके बाद अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो भी आप जो है यहाँ पर बने रहें, क्योंकि इस चैनल पे ऊपर आपको इस तरह की बहुत सारी एकदम सही चीजें जो है मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो के लिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्लॉगर के अंदर थीम्स वगैरह कैसे चेंज करनी है, कैसे पोस्ट वगैरह लिखने होते हैं। तो सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं पे चल के देख लेते हैं। सो गाइस, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यहीं पे छोड़ा था, यहां तक आ गए थे हम, और इसके बाद हम यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक कर लेते हैं कि अभी हमारा ब्लॉग जो है वो किस तरह का दिख रहा है। ये इस तरह का दिख रहा है। हम यहाँ पर थीम चेंज करना चाहते हैं, तो थीम चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे चलना है सेटिंग्स में, और सेटिंग के ऊपर ही आपको मिलेगा थीम, और थीम पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी जो थीम आपकी इस्तेमाल हो रही है वो ये रही, राइट, कुछ इस तरह की थीम आपकी दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी थीम्स आपके अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, तो आप अलग अलग पैटर्न्स में अवेलेबल है, डिजाइन में अवेलेबल है, आपको जो जैसी थीम चाहिए है वैसी थीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये थीम भी काफी अच्छी लग रही है, राइट, और इसमें ये कुछ ऐसी थीम्स हैं, ये कुछ पुरानी थीम्स हैं इसके पास में ब्लॉगर्स में जो काफी समय से पहले से अवेलेबल हैं, बट ये कुछ ऐसी थीम्स हैं जो लेटेस्ट जो है ऐड करी गई हैं इस ब्लॉगर के अंदर। तो आई थिंक कि मुझे ये जो है ये ज्यादा अच्छा लग रहा है थीम, तो मैं ये वाली थीम को सेलेक्ट करता हूं, और सेलेक्ट करते से ही यहां पर आप देखते हैं प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की थीम आपको दिखाई देगी, लेकिन अभी यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है इसलिए हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अदरवाइज आप इसको जो है जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये पूरी थीम को कस्टमाइज कैसे करना है सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमने अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद जो है अभी ऊपर चलते हैं तो देख सकते हैं हमारी जो लेटेस्ट थीम है वो यहाँ पर टॉप पे हमें व्यू होने लग गई। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे हमारा जो थीम है वो नई थीम के अकॉर्डिंग पूरा जो चीजें हैं वो चेंज हो चुकी हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे पोस्ट लिखना है, क्योंकि इसके बाद तो आपको सबसे पहले पोस्ट ही लिखना पड़ेगा, तो उसके बाद धीरे धीरे आपको पेजेस लेआउट्स वगैरह में कैसे काम करना था वो मैं बताऊंगा। तो ये अभी देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी पोस्ट अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये रहा क्रिएट अ पोस्ट पे, क्रिएट न्यू पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरे को एक अलग से विंडो जो है वो दिखाई देती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका टाइटल, और ये है हमारा फॉर्मेटिंग बार जहां से हम अपने पूरे ब्लॉग को जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेबल्स यानी कि उनके जो कैटेगरीज वगैरह हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे उसका जो URL वगैरह हम लिखना चाहते हैं या अपना वीडियो को शेड्यूल करना चाहते हैं स्पेसिफिक डेट वगैरह में, तो हम यहाँ पर सारी चीजें कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, राइट, तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये मेरा एक कीवर्ड है, सपोज को लो टाइटल है, नॉट कीवर्ड, ये मेरा टाइटल है। तो अभी इसी के बेस के ऊपर ही मुझे कुछ यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लिखता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो यहां पर जो है आपको इसको क्या करना है, बड़ा लिखना होता है, राइट, तो बड़ा लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉन्ट का अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं, आपको टेक्स्ट में आपका स्मॉल होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए, तो जैसा चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अगर इसको चेंज करेंगे तो आप देखते हैं ये आपका बड़ा हो चुका है फॉन्ट। अब इसके बाद जो है वापस मैं यहीं पे ये इसको जो है छोटा कर लेते हैं, बाकी सारा चीज जो हमें नॉर्मल के अंदर चाहिए तो ये हमने नॉर्मल कर दिया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इसी को थोड़ा सा मैं इसी तरह से जो है इसी को बार बार जो है टाइप पेस्ट कर देता हूं, ताकि थोड़ा सा हमें जो है यहाँ पे ब्लॉगर जैसा हमें पोस्ट लिखते हैं वैसा कुछ दिखाई भी दे। तो यहाँ पर जो है ये हमने ऐड करते चले जाते हैं, तो इस तरह से जो है मैं ऐड कर रहा हूं, देख सकते हैं आप। फिर इसके बाद मैं फिर एक और बीच में पैराग्राफ लेना चाहता हूं, तो ये मैंने पैराग्राफ ले लिया। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर इसके बाद जो है एक कोई इमेज आए, तो इमेज कैसे आएगी आपकी,
तो इमेज लाने के लिए तो आप देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग बार के अंदर आप एक एक के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट करना है, फिर यहाँ पे इसके अलाइनमेंट्स वगैरह हैं, बुलेट पॉइंट्स वगैरह लेने हैं, यहाँ पे आपके लिंक्स वगैरह आ गए। अब ये रहा आपका इंसर्ट इमेज, आप इमेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको कंप्यूटर से करना है या कहीं से आपको ऑनलाइन से लेना है, किसी यूआरएल से लेना है, तो बट हम कंप्यूटर से अपलोड करना चाहते हैं। तो ये हमने अपलोड पे क्लिक करा और यहाँ पे हमें ऐड इमेज का मिला। हम यहाँ पे ब्राउज करते हैं या डायरेक्टली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज को यहाँ पे ला सकते हैं, या फिर आप ब्राउज पे क्लिक करके जो है जैसा आपको चाहिए वैसे ही आप यहाँ पर चीजों को ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का है तो यहाँ पे कुछ इमेजेस मेरे पास पड़ी हैं, तो इन इमेजेस में से ही मैं एक कोई भी इमेज जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक कोर्स का ही कर लेता हूँ और इसको अपलोड कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं हमने सेलेक्ट करा और ये आपका अपलोड हो गया, और अपलोड होकर अभी वो हमारी इमेज हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये हमारी इमेजेस आ गई। अब इस इमेज को आपको बड़ा करना है, छोटा करना है, लाइट अलाइनमेंट कैसा देना है, यहाँ पे चाहिए सेंटर अलाइनमेंट करना है, राइट लेफ्ट करना है, जैसा भी अलाइनमेंट करना है वैसा आप इसको कर सकते हैं। आप इसको और जूम करना चाहते हैं, बड़ा साइज करना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपकी एक इमेज डल गई, राइट। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और इसके बाद ऐसे ही जैसे और नीचे आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पे इसके नीचे और टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे टेक्स्ट वगैरह जैसे हमें चाहिए वैसा हम यहाँ पे अलाइनमेंट इनको भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो हम यहाँ पे जो है इसका अलाइनमेंट हम चाहते हैं कि नहीं भाई ये अलाइनमेंट जो है वो आपका हमेशा साइड पे रहना चाहिए, तो वैसे अलाइनमेंट हम कर सकते हैं यहाँ पे। और जो हमने अभी फॉर्मेट लिखा है तो हम इसको जो है अपने हिसाब से बनाते चले जाते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर दिया। ये जो है मैं चाहता हूँ कि ये सेकंड बुलेटेड पॉइंट हो, तो इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया, और इस तरह से यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमने पूरा एक, अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। अब इसका लेबल, राइट। तो लेबल में मैं यहाँ पे एड लेबल पे करता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, अगर कोई सर्च करे तो भी उसको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के नाम से मिलना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब इसके बाद हम कोई दूसरा बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे और भी बना सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल सिर्फ लिख देते हैं वेब डेवलपमेंट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेब डेवलपमेंट। तो ये हमने दो कीवर्ड क्रिएट कर दिए, तो ये दोनों हमारे क्रिएट हो चुके हैं, राइट। अब इन दोनों को इस्तेमाल करना है कि एक सिंगल को इस्तेमाल करना है वो प्योरली आपके ऊपर है। तो हम यहाँ पे ये हमने ये सेलेक्ट करा और इसको जो है ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम चलते हैं पब्लिश की तरफ या परमानेंट पे चलते हैं। परमालिंक होता है बेसिकली आपका ये यूआरएल जो है वो क्या होगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे लिखा है यूआरएल जो है इसने क्या करा, जो हमने टाइटल डिफाइन करा है वही यहाँ पर यूआरएल का इस्तेमाल कर लिया है। अगर आप इसको कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम परमालिंक पे जाकर आप चीजों को चेंज कर सकते हैं कि नहीं मुझे ये पूरा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग नहीं लिखना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखना है, राइट। तो ऐसा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, देख सकते हैं अभी यहाँ पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग वाला लिख किया गया। अब इसको पब्लिश अभी करना है या फिर आपको बाद में करना है तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको सेव करना, तो ये आपका सेव का ऑप्शन है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। आपको व्यू करके देखना, प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और डायरेक्टली आपको पब्लिश करना है तो आप यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कन्फर्म, तो कन्फर्म कर देते हैं। तो ये आपका जो है पब्लिश हो चुका है, राइट। तो अभी ये आपका पब्लिश हो चुका है, यहाँ पे कितने व्यू आए, कितने कमेंट्स वगैरह आए, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ से दिख जाएगी। चलिए अभी वापस यहाँ पे चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। देख सकते हैं ये हमारा जो है पहला लेअप जो हमने आर्टिकल यहाँ पे करना था वो हमने यहाँ पे पब्लिश कर दिया। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पहला आपका आ गया, बाकी जितने भी आएंगे उसके नीचे नीचे इसी तरह से जो है हमारे पास एडिट होते चले जाएंगे। तो आज जो है इस वीडियो के लिए इतना करते हैं कि हमने यहाँ पे थीम कैसे चेंज करनी है वो देख लिया, आपका एक बेसिकली किस तरह से आपको पोस्ट को ऐड करना होता है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब धीरे धीरे आगे हम इस थीम को कस्टमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, और इसके लेआउट्स पे काम करेंगे, पेजेस क्रिएट करेंगे, तो ये जो है किस तरह से काम करना होता है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये सब चीजें करनी होती हैं, तो वो मैं आने वाले वीडियो के अंदर जो है आपको बताने वाला हूं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ।